वेलकम बैक। थोड़ा सा मजबूरी है, मेरा आजकल भंगार के साथ मेरा तीन चार दिन से ये भंगार जो है मेरे साथ चिपका हुआ है, टूटा फूटा आइटम, टूटा फूटा आइटम। लेकिन हाथ में कैमरा लगा हुआ है और एक फायदा हुआ है मुझे बोकारो आने से कि ससुराल बगल में है तो खाने पीने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। भैया का मेस चलता है, खाना वर्ल्ड क्लास, ठीक है ना जी, ये वर्ड सही है ना, वर्ल्ड क्लास। आपको जो लगता है वो बोलिए, रियल में ऐसा नहीं है कि नहीं, सही में वर्ल्ड क्लास खाना। तो अभी मैं खा रहा हूँ पनीर, मटर पनीर और रोटी, तो सच में बहुत टेस्टी है। ये खा रही है सूखा पनीर विथ रोटी, और ये रखा हुआ है और भी, उसमें भी है कुछ जादू भी डाला ना शाही नहीं हो रहा है खाने का एकदम, इसमें बहुत ज्यादा वो ना ऑयली है, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसमें तो बनता ही है, थोड़ा सा मिस्त्री लोग बनाता ही है, इसलिए मैं बस चुनी हूँ उसमें से पनीर और चुन के एक रोटी ली हूँ खाने के लिए। बहुत टेस्टी सच में। तो आप लोग बोकारो आए तो सेक्टर 5 में इनका मेस है, वहां पे खाना जरूर खाएं, चाय वाला वही है ना, चाय वाला। हाँ मेस का नाम ही है ना चाय वाला, एवं मेस। और चाय वाला क्या है, चाय वाला आपके भाई का दुकान, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारी चीज है, एक ही जगह पे 4-5 क्लाउड किचन है, आप रेस्टोरेंट चेंज करते रहिए, ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर एक ही जगह जाएगा ठीक नहीं। आप शर्मा है जिसे आप लोग कारपेंटर है, अब हम आपको कुछ और बोलने लगे, जो हम है वो कारपेंट करते हमको बनिया से प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम बनिया होते तो आप हमको बनिया बोलते, हम जब वो है ही नहीं था हम जबरदस्ती ऑयली, हाँ हम लोग सेली है ऑयली। ये कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं जा रहा है ये बात बता दीजिए फिर से। तो भाई एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा मूड लाइट कर रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है मुझे, ठीक है, और तीखा बहुत है खाना, रोम रोम खुल जाए अगर आप खाएं एवन मेस में खाना। ये देख के ना सब्जी, मतलब मम्मी बोली पनीर तुम्हारे लिए करवाते हैं, और वो सब्जी देख के हमको ना लग रहा है कि क्या हम बोले, कुछ मसाला खाने के मन की तरफ देखने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा सूखा रोटी ही नमक डाल के खा ले, और वही तो नहीं है दो पीस था ना वो खा लिया, नमक लीजिए खाइए चुपचाप, घी लगा दीजिए और नमक, ठीक है चलिए हम लोग खाते हैं। इनको आलू पराठा, मतलब बीबी का तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आलू पराठा का डिमांड इनका ना, तो अभी जो मन्नू भाभी है झूला वाली भाभी वो भिजवाइए आलू, यहाँ पे ऐसा नहीं कभी थोड़ी है, मन्नू भाभी हैं आपकी, फिर मिश्री भाभी हैं, हाँ सब जगह से टेस्टी टेस्टी खाना आते रहेगा। अब लेकिन अचार कितना सारा दिए हम, बल्कि वो थे कि सब्जी है वो गरम गरम आलू था, इसीलिए हमको फोन करके बोले कि थोड़ा सा फट फट गया है, जस्ट बनाई है क्या अपना अपना गरम, और ये हम बोले कि तीन भेजिएगा ये तीन खा लेंगे, तो ये बोल रही है कि मैं भी खाऊं, तो उनके हाथ का आलू का पराठा बहुत टेस्टी होता है, देखो चार भेजी हुई है, एक तनु खा लेगी, तो चलिए फ्रेंड्स इन लोगों को मैं खिलाती हूँ, ये लोग आलू का पराठा खा रहे हैं पनीर के साथ, ये मैं भी हल्का सा टेस्ट की, मतलब वो भाभी इतना टेस्टी बनाती है ना खाना, तो वही हम बोले कि देखे तो हमको अच्छा लगा, लेकिन तो वही बोले अरे खाइए ना दो तीन बाइट, मतलब मसाला देख के सब्जी का मैं मेरा मन नहीं हुआ, एक बाइट बोले थे, दो तीन बाइट नहीं बोले थे, तो उसमें मैं खाई इतना अच्छा लग रहा है ना, हम बोले कि फ्लेवर का कुछ अंदाजा मिल रहा है, आलू का पराठा तो बहुत ज्यादा खाइएगा, लेकिन उसमें कुछ खाने में कुछ टेस्ट पता चला,
तो खाली मुंडी ही लाया हम लोग। देखिए उसमें करी का पत्ता सब डाली है, जैसे ही मुंह में डाल रहे हैं इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना। खा लीजिए, तुम खाओ पहले अपना। खा तो रही हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह आप लोग देखे ही, मन्नू भाभी बहुत कुछ भेजी थी हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए खाने के लिए। और ना मेरा बहुत इच्छा हो रहा था ना, हमारे तब नेनुआ कहते हैं और उधर बिहार बोल रहे, यूपी साइड और दिल्ली साइड में ना तोरी बोलते हैं उसे, उसी की सब्जी खाने का। मुझे ना पता नहीं क्यों सुबह से ही मन हो रहा था कि प्लेन रोटी, क्योंकि कुछ भी मसाला वाला देख रही हूँ ना तो मेरा तो देख के एकदम अजीब सा मन हो जा रहा है कि क्या बोले। लेकिन मुझे ये वाला जो होता है नेनुआ का सब्जी तोरी की, बिल्कुल प्लेन, बस इसे पचफोरन है शायद और मिर्ची से छौंक के बनता है प्याज डाल के, ये मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था रोटी के साथ। और इतना पतला पतला रोटी बनाई है ना, एकदम कागज़ की तरह पतला पतला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू मनु भाभी, आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो ऐसे तो बोलती हूँ लेकिन ब्लॉग में भी आपके बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पर भी थैंक यू बोल दे रही हूँ। मतलब पता नहीं क्या बोले, मुझे रोना आने लगता है जब भी, मतलब मेरे लिए कोई कुछ करता है ना तो पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए, मुझे भूख लग गई है। सुबह हस्बैंड जो है वो ब्रेड वगैरह टोस्ट कर दिए थे, सेक दिए थे अच्छे से, तो वही खाए थे। और उसके बाद नारियल का पानी पिए थे और थोड़ा बहुत फ्रूट में खाई थी। और फीवर अब मुझे नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम अब फीवर मेरा नहीं हो रहा है। तो जो अजीब अजीब सा हो रहा था ना बॉडी में वो सब नहीं हो रहा है, जैसे कि मतलब हेडेक अभी हल्का हल्का हो रहा है कभी कभी, नहीं तो फीवर जो था, जब फीवर आ रहा है तो हेडेक एकदम चालू और बॉडी में हल्का फुल्का पेन भी हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, मतलब ठीक फील कर रही हूँ। तो शायद कल पानी जो चढ़वा दिए थे हस्बैंड, इसकी वजह से अब वो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ये अभी भी लगा हुआ है क्योंकि वो बोले थे कि ज़्यादा वीकनेस है तो 2 दिन और करवा लीजिए, लेकिन आज हस्बैंड मुझे देखे तो बोल रहे हैं कि आज करवा लो फिर कल का तो ज़रूरत नहीं है लग रहा है मुझे। तो हम बोले हाँ मैं थोड़ा सा ठीक क्या होने लगती हूँ, फिर आप अपना अभी दिखाने लगते हैं। तो फिर वही बोले कि नहीं अगर लग रहा है तो करवा लो, अगर नहीं लग रहा है तो फिर हम बोले नहीं एक ही दिन बस आज और करवा मतलब चढ़वा लेते हैं, क्योंकि अभी मतलब करवा चौथ तो मैं नहीं कर रही हूँ, कल ही करवा चौथ है और मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ ना, ये 4 दिन मेरा कैसे जो बीता है ना, एकदम लग रहा था ना कि वैसा जैसे मेरी बेटी जब होने वाली थी ना, जब मैं मतलब पूरा ये 9 मंथ के टाइम में मेरे से ना कुछ नहीं हो पाता था, इतना वॉमिटिंग, इतना ना वीकनेस होता था ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो वैसे ही एकदम मैं फील कर रही थी कि मतलब मेरा शरीर बस है और कुछ नहीं है शरीर में, वैसा ही लग रहा था। पता नहीं कैसा फीवर था जो एकदम शरीर को तोड़ दिया था पूरा मेरा, ऊपर से बीपी भी लो हो गया था। तो इसलिए मैं करवा चौथ नहीं कर रही हूँ। फिर फाइनली मैं सोची कि चलो वो हमारा इधर मतलब होता है ना, इधर हमारे तरफ नहीं होता है वो, थोड़ा सा शौक में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पर दिल्ली में, लेकिन हेल्थ सही रहता तो मैं करती, क्योंकि मैं तैयारी भी कर चुकी थी, मैं उसके लिए ड्रेस भी ले चुकी थी और मैं बहुत कुछ मैं वहाँ गई भी थी ज्वेलरी शॉप में कि मैं वहाँ से ले लूँगी करवा चौथ पे ही, कि मेरा करवा चौथ पे भी मैं पहनूँगी उस चीज़ को। लेकिन अब हेल्थ इशू नहीं होता तो मैं करती, लेकिन अब ऐसा हो गया तो मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत गुस्सा आ रहे हैं ये लोग भी कि तुमको सब कुछ ही करना है, अपना शरीर नहीं देखना है। तो इसलिए अभी जस्ट रिकवर भी नहीं हुई हूँ, देख ही रहे हैं ये आज और करवा चौथ के भी दिन, मतलब 19-20 को भी पानी चढ़ता है लेकिन 20 का हम छोड़ दे रहे हैं, 19 का हम आज के लिए हम करवा लेते हैं। और छठ मेन मत है कि 15 दिन बचा हुआ है तो उसके लिए अपने आप को सही करना बहुत ज़रूरी है मुझे, क्योंकि छठ में बहुत काम होता है। 3 दिनों का मतलब 2 दिन तो फास्टिंग ही रहता है, बाकी खाने पीना और घर का तैयारी, बहुत सारी तैयारी में बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसलिए उसके लिए अपने आप को सही करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले
मैं सोच रही थी बस मैं फीवर ठीक हो जाए, फीवर क्योंकि ठीक नहीं होगा तो फिर मैं कुछ भी खा लूं पी लूं कुछ नहीं होने वाला है शरीर में। फीवर ठीक होगा उसके बाद तो मुझे अपने बॉडी को कैसे रिकवर करना है वो मैं जानती हूँ। तो फिर फाइनली ये अच्छा है कि कल शाम के बाद से फीवर नहीं आया है, और आज जाऊंगी पानी चढ़वा लूंगी तो और अच्छा फील करूंगी, क्योंकि कल चढ़ा है तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ आज। और चलिए मैं खा लेती हूँ, यहाँ निकला हुआ है खाना, बहुत दिनों से मैं खाई नहीं हूँ ढंग से, तो चलिए खा लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स आज सेकेंड डे में आई थी और दो बोतल आज का भी डोज कंप्लीट हो गया है, तो अब नहीं आऊँगी क्योंकि अब ठीक है, मतलब जो वीकनेस मुझे हुआ था ना वो आज मतलब ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी हसन जी बोले कि आज मुझे करवा लो, तो मतलब 3 दिन कह रहे थे कि करवा दीजिए दो दो बोतल तो एकदम से सही हो जाइएगा, लेकिन एक दिन में ही मुझे अच्छा लगने लगा तो एक दिन और हम सोचे शुरू करवा देते हैं। तो आज का दोनों बोतल हो गया है कंप्लीट, अब इसको निकालेंगे घर भागेंगे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, अभी मैं ठीक हूँ और लेकिन खड़े रह रही हूँ बहुत देर तक, या बोल रही हूँ खड़े होकर या समझा रही हूँ तो थक जा रही हूँ। तो अभी मेरे दिन घर की दीपावली की सफाई स्टार्ट हो गई है, शुरुआत किचन से हुई है, तो ये रीना पूरा एकदम सफाई में लगी हुई है घर में। और यहाँ पर एक एक करके सारा जितना भी वार्डरोब वगैरह है वो सब साफ कर रही हैं, क्योंकि मेरे से अभी तो होने से रहा। तो फ्रेंड्स अभी फिर से जो हमारी भाभी है मन्नू भाभी वो भेजी है सब्जी, और उनका उनके हाथ का सब्जी ना मतलब क्या बोले इतना टेस्टी होता है ना, वो देखने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए ये पनीर की सब्जी कितना यम्मी है, और ये आलू और परवल की सब्जी है, इतना अच्छा इसमें से खुशबू आ रहा है ना, मतलब इतना अच्छा फ्लेवर वाला सब्जी, वाह। और रोटी भी यहाँ दी है मुझे, बोले कि आशीष चावल खाएंगे तो तुम रोटी खा लेना, तो बना हुआ रोटी दे दी। फ्रेंड्स आज यहाँ मेरे घर पे आया है मशरूम बनाने के लिए, तो ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का मशरूम है जो लोकल मशरूम होता है। तो अभी इसे मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ, बहुत देर से साफ कर रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम जो लगेगा साफ़ होने में। तो इसमें मिट्टी वगैरह था तो मिट्टी वगैरह क्लीन हो गया है, थोड़ा सा और अच्छे से साफ करके फिर मैं इसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, अभी कुछ कुछ लोग आ रहे हैं देखने के लिए, भी आज भी लोग आए थे तो ब्लॉग में और ज़्यादा नहीं बना पाई थी उसके बाद का। इनके एक फ्रेंड हैं, उनके उनकी वाइफ आई थी और उनके बच्चे लोग आए हुए थे, तो थोड़ा सा उसी में टाइम लग गया। और चलिए आज से ब्लॉग को यहीं पैंड करते हैं क्योंकि रात भी हो गया है, और जल्दी से मैं अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग। बाय।